आकाशवाणी मुंबई केंद्र प्रस्तुत कर रहा है नाटक नहले पे दहला का पहला भाग। लेखक अजय कश्मीरी और प्रस्तुत करती तनुजा कानड़े। तो ये सुनते हैं नाटक नहले पे दहला का पहला भाग। वैसे ही हमारे स्टेशन के इस वेटिंग रूम में केवल दो इकलौते बल्ब टिमटिमाते रहते हैं, और उसमें से भी इस स्टोर रूम का बल्ब भी फ्यूज हो गया। लैंटर्न जला लूं, माचिस कहां गई? ओफो, इस रूम का बल्ब भी बारिश की हवाओं से जल बुझ रहा है। ये माचिस, हाँ मिल गई, दत तेरे की, इसमें तो एक ही तीली है और वो भी सीली हुई। चलो जल जाए तो अच्छा है। उफ, नहीं जल पाई, टूट गई। चलूं, बाहर चलूं, प्लेटफॉर्म पर निकलकर इस लैंटर्न को जलाने की कोशिश करता हूँ। सुपर डियर, बताने वाले ने बताया तो सही था कि ऊपर पहाड़ी पर छोटा सा रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम है। चलो डियर, इस तूफानी रात में सिर छुपाने के लिए इस वेटिंग रूम की छत तो मिली। मगर शशि, कितना अंधेरा है इस वेटिंग रूम में, पता नहीं ये तार में लटकता हुआ बल्ब जलता भी होगा या। रूपा डियर, मेरी रोशनी तो तुम हो, देखो तुमसे नजरे चार होते ही यहाँ के बल्ब में भी मध्यम सी रोशनी आने लगी। शायद बारिश के कारण पावर की सप्लाई कम है। कितनी बुरी तरह से हमारी वैन का एक्सीडेंट हुआ, मानो किसी ने जोरदार धक्के के साथ हमारी वैन को पेड़ के तने में ही घुसा दिया हो। तभी तो वैन का रेडिएटर फट गया था। हाँ रूपा, ईश्वर ने हम दोनों को मरते मरते बचा लिया। ये क्या शशि, तुम मरने की बातें करने लगे, हमारी शादी अभी 2 दिन पहले ही तो हुई है। शशि, रूपा डियर डरो नहीं, तुम मेरे बाहों के बीच हो। लिपट जाते हैं वो बिजली के डर से, इलाही ये घटा 2 दिन तो बरसे। ओफो, ये यो अवस्था भी कमाल की होती है, यानी कि इन दोनों के सिर पर बल्ब टिमटिमा रहा है और मेरे हाथ की जलती हुई लैंटर्न की पूरी रोशनी पड़ रही है, पर दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपके हैं, एक दूसरे में ऐसे सिमटे हैं, किसी की कोई चिंता ही नहीं है कि ये वेटिंग रूम है या इनका बेडरूम है। ए मैं इस स्टेशन का स्टेशन मास्टर हूँ मैं। अरे होएंगा होएंगा, हम पूछते हैं कि इधर का शूटिंग चलता, उन दोनों पर लाइट डालने को नहीं मांगता। ये दोनों खड़े खड़े सो गए हैं, शायद इन्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ए मैन स्टेशन मास्टर। होएंगा होएंगा, अरे मैन ऐसे टाइम पर तो आंख बंद करने को मांगता। ओ माय गॉड, हम कलयुग के बारे में तो बहुत सुन रखा था, अनाज देख भी लिया, ऐसे ही ये दोनों वैन में भी चिपका चिपका आया, तभी हमारा वैन पेड़ में घुस गया। पर बूढ़ी माई, बूढ़ा होगा तू, तेरा बाप अब भी बल्ब की रोशनी का पावर बढ़ेगा ना, तो अपनी आंखों का चश्मा साफ करके देखना कि बूढ़ा तू है या मैं। लो लालटन मेरे को दो, हम सामने चौहाले स्टोर रूम में जाता। अब तुम भी बाहर जाने का, चलो बाहर। मैं चलो। ओह माय गॉड, रूपा डियर कुछ भी कहो, हम दोनों को अकेले आपस में एक दूसरे में खो जाने का अवसर अच्छा मिला है। डियर ये तो बताओ, कभी तुमने सासों को आपस में बातें करते सुना है? कब? जानते हो शशि, जब भी ये सांसें एक दूसरे के करीब होती हैं, तब ना इन्हें कुछ सुनाई देता है और ना ही कुछ दिखाई देता है। रूपा
रूपा ये तो कमाल हो रहा है। पूछो क्या क्या। मेरे दिल के पास कान लगा कर सुनो। हाँ हाँ गौर से सुनो, ये दिल सारे शब्द वही दोहरा रहा है जो तुमने अभी बोले हैं। दिल है तुम्हारे पास? बिल्कुल। झूठे। क्या मतलब? तुमने तो कसमें खा कर कहा था कि तुमने अपना दिल कब का मुझे दे डाला। बहुत शरीर हो तुम। तुम भी कुछ कम नहीं। सच रूपा, कभी कभी एक्सीडेंट भी कहां से कहां पहुंचा देते हैं। हाँ देखो ना, ये सन्नाटा, बारिश का माहौल, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली का चमकना। हाँ, रोशनी के साथ लुका छुपी खेलता हुआ अंधियारा। हम लोग जिस वैन में बैठे थे उसमें बैठे हुए सभी लोग हमें ऐसे घूर रहे थे जैसे हम कोई इंसान नहीं एंटीक पीस हों। डियर डार्लिंग, हमें वैन में भी किसी की परवाह नहीं थी और यहाँ इस वेटिंग रूम में भी किसी की फिक्र नहीं है। बस हम तो इतना जानते हैं कि हम केवल एक दूसरे को प्यार करने निहारने के लिए ही जन्मे हैं। बस हम इसी तरह किसी कोने में एक दूसरे में खोए रहें। चलो वेटिंग रूम के अंदर दाखिल होने के लिए दरवाजा तो खुला दिखाई दे रहा है। आ गए भाई हम अंदर। लेकिन बेगम कहाँ रह गई? ओहो, अरे बेगम आओ आओ। खुदा गारत करे, हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा। ओहो बेगम बेगम, आप हाथ पैरों को क्यों देख रही हैं? यानी मैं दिखाई दे रहा हूँ काफी नहीं है? खुदा की मार, न जाने कम वक्त वो कौन सी नामुराद मनहूस खड़ी थी जब हम सफर को निकले थे। घर के दरवाजे की तरफ बढ़ते ही बिल्किस ने टोका था, किस तरह सैर को जा रही है ये हंस की जोड़ी। फिर वो उस मुर्दार वैन में पैर धरा ही था कि वैन के ड्राइवर ने ताबातोड़ दनादन छींकना शुरू कर दिया। वैन का एक्सीडेंट तो होना ही था। बेगम बेगम, वो तो कहिए खैर हुई कि पेड़ में घुसकर अटक गई वैन। अगर कहीं लटक गई होती तो क्या हशर होता हमारा। बस चुप बैठे आप, कलेजा ना जलाएं मेरा। मुझको तो उस नामाकुल उल्लू पर गुस्सा आ रहा है। बेगम मैं कह देता हूँ, मुझे संभाल लेना। अगर भूले से भी वो बदबख्त मर्दूत सामने आ गया तो मैं गुस्से में अपने होश हवास खो बैठूंगा। अब जो वैन ड्राइवर के साथ शुरू हुआ, दे पाते बस फिर क्या था। वैन को तो टकराना ही था, टकरा गई। गनीमत जानिए कि सिर्फ पेड़ के तने में घुसी और रेडिएटर फटा, वरना। कैसे साहब, मुंह ना खुलवाएं हमारा। यानी क्या? खाइए कसम, आप अपनी जवा मर्दी के किस्से उस उल्लू को सुना सुना कर खुश नहीं हो रहे थे? जलतू जलालतू आई भला को टालतू, जलतू जलालतू आई भला को। बेगम बेगम, उधर उधर कोने में नजर डालिए, देखिए। हाँ साफ दिख रहा है, दोनों एक दूसरे में खोए दुनिया भूले हुए लगते हैं। बेगम मुझे डर लग रहा है, बेगम हम कहीं गलती से ताजमहल में तो नहीं आ गए? और ये आपस में लिपटे दो साए कहीं मुमताज महल और शाहजहां की रूहें तो नहीं? चलो बेगम चलो, जितनी जल्दी हो सके इस कमबख्त वेटिंग रूम से बाहर निकलें। लाहौल वाला कुवत, हटो 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 बेगम, वो वैन वाला उल्लू यहाँ भी आ पहुंचा है। हाँ देखिए देखिए ना, वो कोने में खड़े उन दोनों के पास जा पहुंचा है। क्यों भाई, यहाँ भी लगे हुए आप दोनों? तुम यहाँ भी आ पहुंचे? दोनों के पास आवाज पर से देखो तो। ओ तुम है जो इज्जत, हम तुमको अभी छछी करता है कि हमें किधर से फंसा दिया। देखिए देखिए, आप लोग हमें धक्का ना मारिए, वैसे ही टकराते टकराते बचा हूँ चचा मियाँ से। देखिए मैं गिर पड़ा आप पर। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इन्होंने मुझे ढकेला। बेगम बेगम मुझे उठाओ उठाओ बेगम, देखो कहीं मुझे चोट तो नहीं आई। बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है इस नामाकुल पर, संभल नहीं पा रहा हूँ। बेगम मुझे उठाओ। अरे बेगम उधर किधर देख रही हो, मुझे देखें आप। आप स्टेशन मास्टर, मेरा ख्याल है आप सब काफी चैन से हैं। नौजवान जोड़े,
आपके नाम जान सकता हूँ? मोहब्बत नाम है इनका, ये दोनों आशिकों के दिल में रहते हैं। तुम मानोगे नहीं। बरखुरदार, क्यों हड्डियाँ तुम्हारी चुलबुला रही हैं? बहन का उल्लू, हम पूछता है कि तुम पैदा इससे नहीं होता तो क्या नुकसान हो जाता? इस प्रश्न का उत्तर तो आपको स्वर्गवासी मेरे पिताश्री ही दे सकते हैं। भाई मेरे, ये तो बताएं, ये क्या चीज है जहाँ हम सब एक साथ सांस ले रहे हैं? तबेला, तबेला। ये इस स्टेशन का फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम है। यहाँ दूरिया पास कोई होटल इत्यादि? फिलहाल इस समय इस स्थान से बेहतर कोई दूसरा स्थान नहीं है। तुमसे किसी ने कुछ पूछा? बिना कारण क्यों बात कर रहे हो शशि? हाँ हाँ शशि साहब, तुम नहीं मानोगे। ओह, मान गया, आपका नाम शशि नहीं है शायद। तुम चुप हो जाओ। हमको कोई ये इससे तो बोले कि अब होएगा क्या? अरे हम पूछता है लप्पू छन्ना, उधर वैन के ड्राइवर के साथ चिपक कर चिकर चिकर करके उसका ध्यान बटाया, एक्सीडेंट कराया। अरे हम मर गया होता तो क्या होता? मोहतरमा, माँ फरमाए, जब आप या हम मरी गए होते तो फिर होने का क्या था? हम इस उस बिलाव से बोलने को बोलता है। सॉरी, मुझे चुप रहने को बोला गया है। बहुत कहना मानता है ना, और हम बोलता है कि तुम अभी इधर ही तो मर जाओ। नहीं नहीं मैडम, ऐसा करने को भूले से भी ना कहिएगा, ये तो मर के आजाद हो जाएगा, हम सब पुलिस के झमेले में फंस के रह जाएंगे। ओफो, आप ही बिना जवाब दिए चुप नहीं रह सकती? लेकिन बेगम साहिबा। वापस लो अपने अल्फाज, ये सिर्फ हमारी बेगम है। आपका नाम जान सकता हूँ? ना, ये प्रश्न मेरे पूछने के हैं। ठीक है, आप इन सब के नाम पते ठिकाने पता लगाकर हमें बता दें। अच्छा, तो आप इस टोली के सरदार हैं? अजी लाहौल भेजिए बेगम, आप सिर्फ मुझे देखें। ये आपकी बीवी, आपको अम्मा नजर आ रही हैं। शशि जी, हम आपकी श्रीमती जी का नाम जान सकते हैं? क्योंकि अभी अभी देखा ना आपने कैसे खौरिया पड़े चचा मियाँ। चचा मियाँ होंगे तेरे बाप। बाप का भाई ही चचा कहलाता है। देखिए क्या है कि पता नहीं हम सबको कब तक ऐसे माहौल में ही एक साथ रहना पड़े, इसलिए मैंने तय किया कि क्यों ना एक दूसरे से मेल मुलाकात करके वक्त गुजारा जाए। आपसे शुरुआत की जाए, मिस या मिसेस? अरे हम बोलता कि किसी को कुछ नहीं मिलता तो अपना शर्ट या गंजी इसके मुंह में ठूस दो। चलो भाई, इस रूम के खिड़की दरवाजे बंद करना है। चलो। अब ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई, देख नहीं रहे हैं आप? खिड़की दरवाजे बंद कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? क्या एयर कंडीशन चालू करने जा रहे हैं? जी नहीं, जाने से पहले इस रूम को बंद करके जाना पड़ता है मुझे। अम्मा कुछ भांग खा गए हैं क्या? मेरे पास भांग की बर्फी है, एक दो पीस लेते ही बड़ा सुरूर आ जाता है। दूं? यार मेरे, आपकी समझ में ये नहीं आता कि आप अगर रूम बंद कर दोगे तो इस अंधियारे बादल बिजली की रात में हम सबका क्या होगा? ये सब आपको यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि गाड़ी तो अब रात भर नहीं सवेरे आएगी। अब मेरी माने तो आज रात आप भी घर ना जाएं, हम सब के साथ रहें। गाड़ी आते ही हम सब गाड़ी पकड़ लेंगे। और आप अपने घर का रास्ता पकड़ लेना। गाड़ी सारी रात नहीं आती, और मुझे मौत ने पुकारा है जो इस रूम में सारी रात गुजारूं। ये लगा दी इस स्टोर रूम की कुंडी। अरे अरे, अरे ये भी क्या कोई जबरदस्ती है? जी नहीं बेगम, मजबूरी है मजबूरी। बेगम आप सिर्फ मुझे देखें, तुम्हारा मतलब है तुम हम सबको यहाँ से जबरदस्ती बाहर कर दोगे? अगर आप सबने मजबूर किया तो शायद ऐसा ही करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो आओ आओ शुरुआत करो, शुभारंभ मुझसे ही करो। बेगम मुझे पकड़े आप, मैं गुस्से से बेहाल हो रहा हूँ बेगम। बाहरे ऊपर वाले, क्या क्या सांचे हैं तूने ढाले। देखिए मैं आपके बीचों बीच आ गया, जैसे ही मैं 1 2 3 कहूँ फाइट तुरंत शुरू हो जानी चाहिए। बेगम मुझे कहाँ पकड़े आप बेगम? देखो मुझे हाथ मत लगाना, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो समझा था कि आप अटैक करने वाले हैं। ठीक है, आप सबने ठान ही लिया तो सारी रात यहाँ ठहरने की, तो आप जाने, आपका काम जाने। ये घड़ी का वक्त देखने की क्या जरूरत है? इसलिए कि वक्त बता रहा है कि मुझे अब 1 मिनट के लिए भी यहाँ नहीं टिकना चाहिए। कमाल करते हो भाई, ये आंखें फाड़ कर 1 मिनट के लिए नहीं टिकना चाहिए कहने की क्या जरूरत है? भाई कुछ तो ख्याल करें आप, अनजानी जगह, रात का सन्नाटा, बादल, बिजली, लेडीज का साथ है। तभी 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 अरे तभी तभी के आगे जी कुछ बोलो मैन।
तभी चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके आप सब ये जगह छोड़ दें, छोड़ दें। क्यों? क्या क्या कोई खतरे वाली बात है? फिर अपने हाथ की घड़ी देख रहे हैं आप? ना ना करें, कोई प्रश्न ना करें। फिर भी कहे देता हूँ, मुझे मजबूर ना करें। बताएं ना, क्या बताना चाहते हैं आप? देखिए, रात के समय यहाँ आत्माएं अपना डेरा जमा लेती हैं। क्या कहा? आत्माएं? तुम्हारा मतलब है भूत प्रेत? जी, भूत आत्माएं, रूहें। ओह माय गॉड, क्या बोल रहा है तुम? भूत? नहीं 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 नहीं। हाँ हाँ, भूत। आप हंस सकते हैं, हंसिए। घड़ी देख रहे हैं आप? इसलिए मैं नहीं टिक सकता यहाँ। मैं अपने बच्चों को अनाथ और पत्नी को विधवा नहीं बना सकता। आत्माओं आत्माओं के आने का समय हो रहा है। देखें भाई, आप शौक से जाएं। हम सबकी ख्वाहिश थी कि जाने से पहले भूत वगैरह की आमद पर थोड़ी बहुत रोशनी डालते जाते। अगर शुभ शुभ बोले, शुभ शुभ बोले, और ना सुने वो भयंकर आलाज। मगर फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया। बिल्कुल, जब हम सुनने को राजी है तो फिर आप बताने में, मेरा मतलब है आपको बताने में क्या हर्ज है? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, आप सब जाने। यार, बिना आंखें निकाले जुमला पूरा नहीं कर सकते आप। कैसे हैं आप? हम आपकी तरह डरपोक नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए तो सही। आज से 36 साल पहले की बात है, ऐसी ही रात थी। समय भी लगभग यही रहा होगा। इस स्टेशन के रोड पर आने से पहले रास्ता पार करने के लिए आजू बाजू दो गेट दिखाई पड़े होंगे। बिल्कुल, ऐसे गेट हर स्टेशन की कुछ दूरी पर होते हैं, ट्रेन आने से पहले बंद करवा दिए जाते हैं। हाँ, और जब हम आ रहे थे तो मैंने देखा था वो बंद थे, तभी हमें लगा कि गाड़ी गुजरने वाली है। शुभ शुभ बोले, शुभ शुभ बोले साहब, शुभ शुभ बोले। वैसी गाड़ी तो हम सबके यहाँ से चले जाने के बाद ही गुजरे तो ठीक है, वरना वरना हम सब गुजर जाएंगे। नहीं, हम मरना नहीं चाहता। नहीं, मैं भी मरना नहीं चाहती। मैं भी नहीं मरूंगा। मुझे भी नहीं मरना है। कमाल है, कौन मरना चाहता है भाई? आप क्या कह रहे हैं आप? केवल आप ही नहीं, मुझे भी मार देना चाहते हैं। पल में फैसला करें। आज तक कोई भी आत्माओं से भिड़ने के बाद जीवित बचा है क्या? भाई, वो 36 साल वाली कहानी जो आपने अधूरी छोड़ी है, उसे तो पूरी करें। ना, कहानी नहीं, ये हकीकत है, सच्चाई है। वो आजू बाजू के गेट खुले थे क्योंकि गाड़ी तो आने वाली थी नहीं। 6 लोगों को लिए वैन रेल की पटरी के बीचों बीच पहुंची ही होगी कि छुक 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 करती सन्नाटे को चीरती हुई बिना इंजन ड्राइवर वाली गाड़ी वैन को चकनाचूर करती हुई गुजर गई। वैन में बैठे सभी चकनाचूर हो गए। वो सबकी सब लाशें यहां इसी स्थान पर जहां आप खड़े हैं लाकर रखी गई थी। 3 मर्द, 3 औरतें। मतलब सब मर गए? अभी 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 तो मैंने कहा ना, पाप के पाप। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आप सब ना सुनेंगे। मगर यार, इसमें भूत कहां से आ गए? क्यों, बिना इंजन ड्राइवर की गाड़ी को आप क्या कहेंगे? और वो टुकड़ों में लाई गई लाशें, नहीं जानते आप? ऐसी मौत मरने वालों की आत्माएं जीवित रहती हैं और भटकती रहती हैं। यदि अच्छी संगत मिले तो ठीक, वरना ऐसी आत्माएं खून की प्यासी हो जाती हैं। उनकी
भयंकर चीखें आज भी सुनाई पड़ती हैं। जब जब बिना इंजन ड्राइवर वाली गाड़ी गुजरती है, गूंजती हैं उनकी छह आवाजें, हम मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। आज आज भी कुछ वैसा ही माहौल दिखाई पड़ रहा है। आप सबकी तरह ही बेचारा एक भोला भाला गांव वाला यहाँ ऐसे ही आ फंसा था। मेरे लाख मना करने पर वो यही जमा रहा। मैं जब सवेरे आया तो उसने बताया बिना इंजन ड्राइवर वाली गाड़ी यहाँ से गुजरी और वो छह आवाजें चीखती रही, हम मरे नहीं है, जिंदा है, हम मरे नहीं है, जिंदा है, हम मरे नहीं है, जिंदा है। और उसने छह इंच की अली और दम तोड़ दिया। शशि, शशि खिड़की के बाहर कोई है? शशि, शशि मैंने अभी किसी को देखा बाहर। देखो तो, मैं जाकर देखती हूँ। मैं हाँ, कोई जा रहा है, कोई जा रहा है। शशि, मैं बाहर देखता हूँ। हम भी मरने वाला है। आप घबराएं नहीं, मैं भी जाकर देखता हूँ। अरे अरे पूछ ना, तो इधर उधर क्या देखता, क्या चक्कर काटता, बाहर जाकर तू भी देखना। मैं आप सबकी देखभाल के लिए ही बाहर नहीं गया। आप पर काफी मस्ती छाई है ना, मेरी बातें बकवास समझ रहे हैं आप? देखिए साहब, बिना देखे तो चोर बाप बराबर। रूपा, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखा। हाँ, हम दोनों ने हर तरफ देखा, कोई भी नहीं दिखा। नहीं शशि, शशि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैंने बाहर किसी को देखा है। आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। वो छह लाशें नए नए भेष में ऐसे ही करतब करती रहती हैं। भैया आपने ये नहीं बताया कि गाड़ी कितने बजे आती है? सवेरे 7 से पहले गाड़ी नहीं आएगी। यदि आ रही है तो फिर वो ही बिना इंजन ड्राइवर वाली गाड़ी, छह आत्माओं के साथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सचमुच ऐसा हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। माहौल ऐसा ही बन रहा है अब। आप यहाँ से जाने का क्या लेंगे? कुछ नहीं, आप सबकी आज्ञा। नहीं, आप इसी वक्त यहाँ से दफन हो जाएं, तुरंत इसी समय। मगर आप जाएंगे कैसे? अब मेरा मतलब है कि मेरी साइकिल है, चलता हूँ। देखिए, आगे देखिए, पीछे मुड़कर नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, दरवाजा बंद कर लें। मेहरबानी करके सवेरे तक, जब तक मैं लौट कर ना आऊं, दरवाजा ना खोलिएगा, समझे? दरवाजा बिल्कुल मत खोलिएगा, ना खोलिएगा। आप लोग बुरा ना माने तो किवाड़ बंद करके कुंडी लगा लूं। मेरी पत्नी जरा ज्यादा ही डर रही है। खैर, मुझे तो डर नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी रात का सन्नाटा है, बिजली, बारिश, बिना वजह कोई जंगली जानवर घुस आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, जाकर बंद कर दें। कमाल है, कहा आपने था, बंद भी आप करें। अरे भाई, मैं बंद कर देता हूँ। हम सबसे बड़ी भूल हो गई। वो क्या? भूख कसकर लगी है। हाँ यार, उससे कह देते वो सवेरे लौटते वक्त कुछ खाने के लिए लेता आता। अब वो थोड़ी ही दूर पहुंचा होगा, मैं अभी लपक के कह आता हूँ। नहीं, हाँ, दरवाजा बंद रहने दो। कोर्ट के वास्ते तुम भी चुप बैठ जाओ। आपको नहीं लगता कि हमें किवाड़ खोलकर देखना तो चाहिए कि ये आवाज कैसी थी? ये तो मास्टर की लाश। इसे मरना नहीं चाहिए था। सच कहता था बेचारा, मैं इसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। अब हमें कोई
भी नहीं बचा सकता। चलो भाइयों चलो भाई, जितनी जल्दी हो सके मास्टर की लाश उठाएं। आइए चलिए आइए उठाइए। हाँ चलो, इसे वहाँ उस स्टोर रूम में रखे देते हैं। चलो चलो, और ये लगा दी कुंडी, ये लगा दी हैं। चलिए देखिए भाई, उसकी लाश को कोठरी में रख देना ही बेहतर था। मिस पार्टी वाला सकते में आ गई है। पर दोस्तों, जब पुलिस आएगी तब लाश तो निकालनी पड़ेगी और हम सबको गवाहियां भी देनी होगी। अरे हमारे मरने से पहले पुलिस आए तो सही। अभी आप सुन रहे थे नाटक नहले पे दहला का पहला भाग, जिसके लेखक थे अजय कश्मीरी। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका अनुसार पात्र परिचय: स्टेशन मास्टर अनिल सक्सेना, शशि हिरेन ठक्कर, रूपा आशमा चौधरी, कैसर अजय कश्मीरी, बेगम बीनू कलसी, मिसेस बाटलीवाला अनुप्रिया सक्सेना, डॉक्टर विवेक ठयाल, हवलदार शब्बीर शेख, गीतांजलि भारती कानड़े और इंद्रनील अक्षय आकाश। इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थी तनुजा कानड़े। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी। Thank you.